करो और देखो कुछ समय के बाद किस प्रकार आप अपना जीवन बिताएंगे। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखेंगे, तब आप अपने आप को आपकी अच्छाई में आप अनुभव करने पाएंगे। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखेंगे, आपकी बुरी स्थिति अच्छी स्थिति होते हुए चली जाएगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका विश्वास कार्य करने लगता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका विश्वास एक्टिव हो जाता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका जीवन जो पीछे था कभी वो आगे बढ़ने लगता है। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के भलाई में देखते हैं, आपका जो रुका हुआ चीज है वो आगे बढ़ने लगता है। जब आप देखते हैं कि मेरा यीशु मसीह सबसे अच्छा परमेश्वर है इस पृथ्वी पर, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, तो आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में भी अच्छा सोचता है। मैंने चाहे गलतियां की है, मैं चाहे परमेश्वर की बातों को मैंने काफी बार नहीं माना है, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। आप अपनी गलत चीजों से कैसे बाहर निकल सकते मालूम है? परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हुए। काफी लोग सोचते हैं कि एक जन कुछ साल पहले मेरे पास आया, उसने कहा, पास्टर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, उसमें कोई गम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप हमेशा ये मत कहते रहो प्रभु भला है, आप हमेशा मत कहते रहो प्रभु दयालु है, आप हमेशा मत कहते रहो प्रभु अनुग्रहकारी है, कभी कभी व्यवस्था सिखाओ, लोगों को डराओ। जब आप लोगों को डराओगे, तभी जाके लोग अधीनता में रहेंगे, तभी जाके लोग समझ पाएंगे। मैंने कहा ऐसे होता तो यीशु को आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरा डरा डरा कर तो लोगों को रखा था, लेकिन लोग उस डर के वजह से वो आगे कभी नहीं पहुंच पाए। और यीशु ने आकर उस डर के पूरे जाल को तोड़ दिया, और उसी की वजह से आज मसीह लोग जी पा रहे हैं। उसने कहा मैं तो व्यवस्था का ही प्रचार करूंगा। मैंने कहा आपको किसने बांध कर नहीं रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो चाहे आप वो प्रचार करो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो आपसे भी प्यार करता है। और वो बहुत गुस्से से चला गया, और फिर कुछ टाइम के बाद खाली हमारा हाय हेलो होता है, ज्यादा वार्तालाप नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर को उसकी भलाई में देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करना चालू करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए महान काम को करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की महानता पर आप ध्यान देना चालू करें। आप देखेंगे कि आप हर प्रकार के बुरी बातों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, मैं वापस कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपने बीमारी में समय बिताएं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप सेहत और चंगाई को ग्रहण करें और सेहतशाली जीवन इस पृथ्वी पर बिताएं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आप महान है, आप अद्भुत है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर, खास करके उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार है, जो समस्या में है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से बीमारी हम तुझे डांटते हैं और कहते चले जाने के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, हड्डी मांस लहू नस पेशियों में प्रभु जी आपकी ताकत प्रभु हम कहते राजा, प्रभु आपकी चंगाई का स्रोत हम कहते राजा, यीशु के नाम से बड़ी और महान गवाही लोगों के जीवन में कहते प्रभु जी। प्रभु कोई भी बीमार नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु जी आपने इन्हें चंगा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा, आपका छुटकारा और आपकी चंगाई लोगों के शरीर पर कहते राजा, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इस समय प्रभु आप लोगों के हृदय को छुइए प्रभु जी, प्रभु आपकी भलाई और आपकी अच्छाई प्रभु लोगों के जीवन में अनुभव करने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के जरिए, जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहां पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी
टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएं, और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।